नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, जान जानकारी प्राप्त करेंगे कि मान लीजिए कोई एक प्लॉट है जो कि 42 डिसमिल का है, मतलब 42 डिसमिल का एक प्लॉट है और उसमें दो व्यक्ति हैं, एक मैं, मेरा 11 डिसमिल का खतियान है और 11 डिसमिल मेरा जमीन भी है, और दूसरा पर्सन जो है उनका 31 डिसमिल का खतियान है और उनका जमीन भी है, लेकिन वह व्यक्ति जो है, दूसरा व्यक्ति, किसी थर्ड पर्सन के पास जमीन बेच दिया, अपने जमीन को 31 डिसमिल को बेच दिया। ठीक है, अब खतियान तो उनका 31 डिसमिल का था, मेरा भी 11 डिसमिल का, कुल 42 डिसमिल का। अब वो जो है किसी व्यक्ति के पास बेचे 31 डिसमिल, तो वे जब पैमाइश कराए उस प्लॉट का, जिस प्लॉट में हम हैं, तो उसमें मेरा 11 डिसमिल खतियान भी बोल रहा है, मेरा जमीन भी 11 डिसमिल है, और उनके खतियान में 31 डिसमिल है, और नक्शा के मुताबिक बता रहे हैं कि मेरा जो है जमीन ज्यादा है। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में आखिर मैं क्या करूं? मेरा 11 डिसमिल का जमीन भी है, खतियान है, और मेरा 11 डिसमिल जमीन है, उस पर मैं बने हुए हूं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसको जानेंगे, और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, 11 डिसमिल का खतियान मेरे पास है, 11 डिसमिल जमीन मेरे पास है, मैं उस पर बना हुआ हूं, मतलब मेरा दखल कब्जा है उस पर 11 डिसमिल पर। अब थर्ड पर्सन, सेकेंड व्यक्ति ने थर्ड पर्सन को बेच दिए अपने जमीन को, 31 डिसमिल को बेच चुके हैं, और वह हमसे दावा कर रहे हैं कि नहीं, और भी जमीन मेरा तुम में है। तो ऐसी परिस्थिति में हम निश्चिंत रहें, कारण कि अगर 31 डिसमिल का उनका खतियान है तो नक्शा में उतना जमीन अगर है तो वे उसी में संतुष्ट करेंगे, उससे ज्यादा भी बता रहा है तो हमें तो 11 डिसमिल से मतलब है, 11 डिसमिल हमें चाहिए ही चाहिए। अब बात आती है दोस्तों कि अगर मान लीजिए उनका 31 डिसमिल से भी खतियान में अगर कम बता रहा है और वह दावा करता है कि नहीं 31 डिसमिल ही हम जमीन लेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में ये देखा जाएगा कि उसका हकदार कागजी रूप से पहले कौन है, पहले मैं हूं या पहले वो है। कोर्ट भी इसी अनुसार फैसला देती है कि साक्ष सबसे पहले किनका है, पहले उस प्लॉट में उनको दिया जाएगा, उसके बाद जमीन घटता हो या बढ़ता हो पीछे वाले व्यक्ति समझे। तो इस बात से हम निश्चिंत रहें, अगर मैं 11 डिसमिल का हकदार हूं, 11 डिसमिल मेरा खतियान है, 11 डिसमिल मेरा जमीन है, उस पर हम बने हुए हैं और पहले हम हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम निश्चिंत रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।